मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा में प्रेस से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे और इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी घृणा और नफरत का माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। सीएम ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। वही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भावना भड़काकर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सेना का राजनीतिकरण किया गया है। कांग्रेस की सरकारों ने पहले हमेशा सेना को श्रेय दिया, अब दुर्भाग्यपूर्ण कि सेना के श्रेय को मोदी जी खुद ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मोदी जी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सेना के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि क्या हम हिंदू नहीं, बीजेपी चुनाव के समय ही क्यों गाय और राम मंदिर को याद करती है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर फ्रांस, एक दिन पहले हमारा हमेशा से कहता है कि इस पर रखकर फिर कोई बातचीत नहीं कर, कोई बातचीत में रखकर कोई चर्चा नहीं होगी, वो एजेंडा में नहीं है। प्रधानमंत्री जाते हैं मीटिंग के बाद में जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है, उसके अंदर रखकर आ जाता है। एम्बेसी को अगर मालूम नहीं हो एजेंडा जो बनाते हैं, वो कहते हैं ये एजेंडा में नहीं है, सेकेंड एजेंडा बन भी गया, फैसला भी हो गया, अनाउंस भी हो गया। कई सवाल ऐसे प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, इतना बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठाया है तो इनको पार्लियामेंट्री फ्लोर पर उनके जवाब देना चाहिए। आपके लिए ये हम देश हित के अंदर बात को नहीं बता पा।